जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं और वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये भारत के संसद में 12 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा में ये पास होकर इस देश में लागू कर दिया गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाने के पीछे एनआरसी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। आसाम में पिछले कई सालों से एनआरसी लागू है और एनआरसी के लिए एनआरसी यानी एक रजिस्टर यहां पर तैयार किया जा रहा है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। ये भारत के लोगों का एक रजिस्टर तैयार किया जा रहा है और इस रजिस्टर में जिन लोगों के पास 1971 के पहले के डॉक्यूमेंट्स है ऐसे ही लोगों को उस रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और जिनका नाम एनआरसी में है ऐसे ही लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा। जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो लोग भारत के रहिवासी नहीं रहेंगे, वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। और ऐसे एनआरसी का काम आसाम में चल रहा था, 19 लाख लोगों के पास 1971 के पहले के डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के वजह से ये सारे के सारे 19 लाख लोग एक ही रात में अब भारत के नागरिक नहीं रहे। अब बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस को लग रहा था कि इन 19 लाख में से सबसे ज्यादा मुसलमान होंगे, लेकिन इनके काम पर तब पानी फिर गया जब 19 लाख में से 14 लाख लोग हिंदू निकले। अब हिंदू वहां पर निकले हैं और ये आसाम के बाद अब पूरे भारत में करना है। अब पूरे भारत में जब किया जाएगा तब 80-90% लोग हिंदू होंगे और 5-10% लोग मुस्लिम होंगे। इसलिए इन्होंने सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 में बना था, 1955 में बना हुआ ये एक्ट कहता है इलीगल माइग्रेंट्स को हम लोग देश से बाहर निकालेंगे। लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट करते हुए इन्होंने कहा कि अमेंडमेंट करते हुए सेक्शन 2 में अमेंड करते हुए उसमें मुस्लिम को छोड़कर हिंदू, बौद्ध, सिख और इस तरह के रिलीजन्स को इस एक्ट में डाला गया है जो आर्टिकल 14 का वायोलेशन होता है। आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा, कानून के सामने सब बराबर होंगे, किसी की जात किसी का धर्म नहीं देखा जाएगा। लेकिन इस तरह से कानून को, संविधान को हटाते हुए इस तरह का कानून इस देश में बनाया गया। इस देश में से मुसलमान तो बाहर जाएगा ही, मुस्लिम तो इस देश के बाहर जाएगा ही, लेकिन सबसे बड़ी खतरनाक घटना इस देश के एससी के लिए, आदिवासी जिसको हम एसटी कहते हैं, एनटी कहते हैं, वीजे कहते हैं, डीटी कहते हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लास कहते हैं, इन लोगों के लिए, ओबीसी के लिए, जो खुद को हिंदू कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इनके पास 1971 के पहले के डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। इस देश में आपकी नागरिकता सिद्ध करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर लिस्ट, इलेक्शन आईडी या रेशन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारा इनवैलिड है, ये नागरिकता सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा। इस तरह से भारत का कानून मंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने बयान दिया है। अब 1971 के डॉक्यूमेंट्स किसी भी आदिवासी के पास नहीं है, 1971 छोड़ो, उनके पास 2010 के भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, आधार कार्ड भी अभी तक उनके पास नहीं है। इस देश के एसटी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, एससी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, कितने सारे राज्यों में 2005 में फ्लड आया था, उनके पास 1971 के डॉक्यूमेंट्स कहां होंगे। गुजरात में दंगे हुए 2002 में, सभी लोगों के घर जल गए थे, किसके डॉक्यूमेंट्स बचे होंगे। तो इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, इन लोगों के पास 1971 के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। और अमित शाह ने एक स्टेटमेंट किया है कि हम 100 करोड़ लोगों को, इस देश में 100 करोड़ लोग घुसपैठिए हैं और उन लोगों को इस देश से बाहर निकालने वाले हैं। अब इस देश की लोकसंख्या ही 132 करोड़ है, तो 100 करोड़ अगर बाहर चले गए तो इस देश में रहेगा सिर्फ ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय। इस तरह से ये लोग इस देश के लोगों को, इस देश में फिर से एक बार मनुस्मृति लागू करने का काम कर रहे हैं। ये 2019 में बना हुआ कानून, इसकी जड़ें 1925 में है। 1925 में जब आरएसएस की स्थापना हुई है तब उन्होंने ये घोषणा की थी कि 100 साल के पहले ही हम इस देश में मनुस्मृति को या हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेंगे और उसी के ऊपर ये काम कर रहे हैं।
आने वाले समय में इस देश में एससी एसटी ओबीसी के पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको देश छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको इस देश में कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा, वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, एजुकेशन राइट्स नहीं मिलेंगे, आप लोगों को हेल्थ के सिस्टम में कोई राइट्स नहीं मिलेंगे, आप लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी, कोई बिजनेस करने का अधिकार नहीं होगा, जमीन खरीदने का अधिकार नहीं होगा। इस तरह से कानून इस देश में लागू होगा। एनआरसी एनपीआर ये कोई अलग अलग कानून नहीं है, एक ही कानून के अलग अलग नाम दिए हैं। एनआरसी के लिए बहुत बड़े पैमाने पर देश में आज विरोध हो रहा है, तब एनआरसी को पीछे रखते हुए ये एनपीआर लेकर आ रहे हैं, लेकिन एनपीआर जो 2010 में था वो और आज का एनपीआर ये बहुत चेंज है। एनपीआर में कुछ और ऐसी बातें इन लोगों ने डाल दी है जो आज हम लोगों की नागरिकता सिद्ध करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर अड़चन आने वाली है। इसलिए मैं आज आप लोगों के समक्ष इसलिए आया हूं कि भारत में फिर से एक बार मनुस्मृति के कानून को लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है और हमारी आवाज भारत में कोई सुनने को तैयार नहीं। इस देश का प्रधानमंत्री खुद उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि एंटी एनआरसी और एंटी सीए के लोगों के ऊपर और ज्यादा प्रताड़ित करने का काम इनको करो, स्ट्रिक्ट एक्शन इनके ऊपर लो, और हम लोगों के ऊपर आरएसएस के लोग पुलिस की वर्दी पहनकर गोलियां चलाने का काम कर रहे हैं, लाठी बरसाने का काम कर रहे हैं। हम ही लोगों को इस देश में हमारे ही आंदोलन में घुस के गाड़ियां फोड़ने का, लोगों के घरों को फोड़ने का, जलाने का काम हमारे ही आंदोलन में घुस के हमारे ही लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को जेल में डाला जा रहा है। और इसलिए मैं आज ये बात भारत के नहीं, भारत के बाहर बैठे हुए हमारे जितने भी साथी हैं उन साथियों को बताने के लिए मैं आज यहां पर आपके समक्ष आया हूं। जितने भी लोग भारत के बाहर मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो यूएसए में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, हमारे मैं इन सभी देशों में जाकर आया हूं और उन साथियों को मैं ये निवेदन देना चाहता हूं कि अपने अपने देशों में यूनाइटेड नेशंस के एम्बेसीज को, आपके यहाँ पर जितने भी एम्बेसीज है वहां पर आप लोगों को ये निवेदन देना है, सीएए के खिलाफ एनआरसी के खिलाफ आप लोगों को काम करना है। मैं वॉशिंगटन डीसी जाकर आया हूँ, अभी मुझे अगर वॉशिंगटन डीसी फिर से जाने का मौका मिला तो फिर से मैं ये निवेदन दूंगा, लेकिन हमारे जो लोग वॉशिंगटन डीसी में है, न्यूयॉर्क में है, चाहे वो अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन न्यूयॉर्क यूएसए के लोग हो, श्री गुरु रविदास सभा ऑफ न्यूयॉर्क के लोग हो, बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क के लोग हो, ऑफ मी ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइटीज ऑफ इंडिया यूएस के लोग हो, इन सभी लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं कि अपने अपने देशों में, अपने अपने एम्बेसीज के सामने, अपने अपने सीनेट मेंबर्स के सामने आप लोगों को भारत के लोगों की आवाज वहां पर उठानी है। यूरोप के लोगों को कास्ट वॉच यूके है, सॉलिडेरिटी ग्रुप है, अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन यूके है, इन लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट हो, यूरोपियन यूनियन हो, वहां पर आप लोगों को हमारी आवाज उठा के हमारे मेमोरेंडम आप लोगों को वहां पर देनी है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऑफिस में मैं खुद फरवरी और मार्च महीने में वहां पर जाने की कोशिश कर रहा हूं, वहां पर मैं जाने वाला हूं और यहां की सारी बातों को वहां बताने का काम कर रहा हूं। तो मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि भारत में फिर से एक बार मनुस्मृति का राज लाने का काम शुरू हो चुका है, संविधान को हटाने की पूरी की पूरी कोशिश शुरू हो चुकी है, तो आप लोग हमारी आवाज भारत के बाहर जितनी बड़ी पैमाने से उठा सकते हो आप लोग उठाइए। इतनी ही दरखास्त करने के लिए आज मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं। आप लोग हमारी आवाज बनोगे, हमारे ऊपर होने वाले अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आप लोग अपने अपने देशों से हमारे लिए सुरक्षा कवच निर्माण करोगे, यही आशा और अपेक्षा मैं आप लोगों के सामने करता हूं और यही रुकता हूं। जय भीम, जय भारत।